से अब तू बचा ले मुझे। घूमे वो शेर तरह शक्ति तू ऐसी दे दे मुझे, पाऊं मैं उस पर फता, पाऊं मैं उस पर फता। तेरी आराधना करते हैं हम सदा, आए शरण है मेरी तू दिल में बसे, भर दे सब खाली जगह। ऐसा ही मैं जीवन जीऊं, बन जाऊं तेरी तरह, बन जाऊं तेरी तरह। तेरी आराधना करते प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। हम सीख रहे हैं कि तुम कौन हो, तुम कौन हो कि परमेश्वर की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। और हम बातचीत कर रहे हैं परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा कि हमें क्या उपाधियां दी हैं। अक्सर हम लोग सांसारिक उपाधियों से परिपूर्ण होते हैं और उसको लेने की कोशिश करते हैं और उन उपाधियों को लेकर बहुत खुश और आनंदित होते हैं। परंतु परमेश्वर ने हमें कुछ और उपाधियाँ दी हैं, परमेश्वर हमें कुछ और बनाना चाहता है। और जो परमेश्वर देता है या जो उपाधि या जो पदवी परमेश्वर देता है वह हमें महान बनाती है। जी हाँ, इस संसार के अंदर परमेश्वर की दी हुई हर चीज़ हमें महान बनाती है यदि हम परमेश्वर से उसको लेने की कोशिश करें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो क्यों ना हम परमेश्वर की दी हुई चीज़ को लें जो हमें इस संसार में महान बनाती है और हमें इस संसार से बिल्कुल अलग करती है। अलग करने का मतलब है मेरा कि वो बिल्कुल अलग दिखाती है, हम बिल्कुल अलग होते हैं। अगर आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन ये बताता है कि जितने भी उसके लोग हुए हैं वो इस संसार में बिल्कुल अलग दिखाई दिए। हो सकता है कि आपकी सोच में कि इस संसार की बहुत सी ऊंची पदवियां या बहुत से ऊंचे ऐसे काम हैं, कोई आपको किस तरीके से जाने या कोई किस तरीके से आपको देखे, आपको लगता होगा कि आप बहुत महान हैं। परंतु क्या होता है, इंसान मर जाता है और मरने के बाद जब वो चला जाता है तो उसको कोई याद नहीं रखता है। परंतु जब इंसान महान बनता है और परमेश्वर उसे महान बनाता है तो इंसान उसे सदा याद रखता है। अब ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, अगर आप देखेंगे बहुत से ऐसे उदाहरण हम देखने पाएंगे अपने ही इस देश के अंदर, अपने संसार के अंदर बहुत से ऐसे व्यक्ति जो महान व्यक्ति हुए हैं जिनका नाम आज भी ऐसे लिया जाता है जैसे वो जीवित हैं। जी हाँ, तो क्यों ना हम भी उनकी तरह बने, क्यों ना हम भी उनकी तरह ऐसे ही महान बने। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज परमेश्वर की उपाधि में हमें एक उपाधि उसने दी है कि तुम परमेश्वर की भेड़े हो। जी हाँ, हम परमेश्वर की भेड़े हैं। और भेड़ का काम क्या होता है, परमेश्वर ने भेड़ों से ही हमारा कंपेयरिंग क्यों करा है? बहुत सोच समझ के परमेश्वर जो है अपनी बातों को और अपनी उपाधियों को मनुष्यों पर प्रकट करता है। और उसने इसलिए हमें ये उपाधि दी है कि हम परमेश्वर की भेड़े हैं। और जब हम परमेश्वर की भेड़े हैं, भेड़ों का कार्य क्या होता है, भेड़ क्यों भेड़ से ही कंपेयरिंग हमारी करी है? आप जानती हैं कि भेड़ जो होती है वो चंचल नहीं होती है, वो चंचल स्वभाव की नहीं होती है। वो बकरियों से भी हमारी कंपेयरिंग कर सकता था, परंतु नहीं। परमेश्वर का वचन ये बताता है कि बकरियों में और भेड़ों में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। आपने कभी बकरियों को देखा होगा या भेड़ों को जाते हुए चरते हुए देखा होगा, तो भेड़ जो हैं वो सीधे अपना
सरासर नीचे किए चलती चली जाती हैं, और जहाँ उनका चरवा उन्हें चराना चाहता है वो उस जगह पर चरती रहती हैं, और वो चरते चरते कभी दूर नहीं निकलती हैं बल्कि अपने मालिक के आसपास बनी रहती हैं। ये भेड़ों की खूबी होती है। दूसरी चीज़ मैं बकरियों के बारे में आपको बताना चाहूँगा। बकरियों का जो स्वभाव होता है, बकरियाँ जब वो चरते चरते जब भेड़ के साथ चरवाए के साथ जाती हैं तो वो इधर उधर भी मुंह मारती चली जाती हैं। दूसरी चीज़ आपने देखा होगा, बहुत से छोटे पेड़ होते हैं और उन पेड़ों से हरे हरे पत्ते जब डालियों के साथ लटक रहे होते हैं तो बकरियां उन पेड़ों के तनों पे अपने आगे के दोनों पैरों को रख कर और उन पत्तों को खाना चाहती हैं। जी हाँ, वो ऊपर मुंह उठाकर उसको खाती हैं, परंतु भेड़े ऐसा नहीं करती हैं क्योंकि बकरियां चंचल स्वभाव की होती हैं। इसलिए परमेश्वर ने जो भेड़ सीधी सादी होती है उससे हमारी कंपेयरिंग करी है, और यह हमारी नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह की भी कंपेयरिंग भेड़ से की है। और उसका खास तौर से जो प्रभु यीशु मसीह का मरने का जो तरीका उसको बताया गया है वो बिल्कुल भेड़ों के तरीके से बताया गया है। मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे साथ निकाल लीजिए यदि आपके पास यशायाह की पुस्तक है, उसका 53 अध्याय और उसके 7 पद में लिखा हुआ है यहाँ पर किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह की कंपेयरिंग भेड़ से की गई है और क्यों की गई है। देखिए मेरे साथ निकाल लीजिए यशायाह 53 अध्याय और उसका 7वां पद। वे सताया गया तो भी वे सहता रहा और अपना मुँह ना खोला, जिस प्रकार भेड़ बध होने के समय व भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है वैसे ही उसने भी अपना मुंह नहीं खोला। जी हाँ, ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया गया है कि जैसे भेड़ बध होने के समय और ऊन कतरने के समय भेड़ी खामोश रहती है, बिल्कुल नहीं चीखती चिल्लाती है, नहीं हाथ पैर पटकती है, ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहा गया कि वो ऐसी भेड़ के समान चुपचाप रहा। वो उसको मारा गया, उसको सलीब पे टांगा गया, वो कुछ नहीं बोला, किसी के विरोध में भी उसने बात नहीं करी है। कितनी अच्छी कंपेयरिंग है। और वो उपाधि जो खुद स्वयं प्रभु यीशु मसीह की थी वो हमें देना चाहता है, और वो चाहता है कि उसके लोग उन भेड़ों के समान चुपचाप रहें, खामोश रहें, क्योंकि उसको सबका ध्यान है, वो जानता है अपनी भेड़ों के बारे में। और परमेश्वर का वचन कहता है, जब आप यूहन्ना 10 अध्याय को पढ़ेंगे, आप यूहन्ना 10 अध्याय को शुरू से पढ़ते चले जाइएगा, परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरी भेड़े, वहाँ पर लिखा हुआ ना, वो कहता मेरी भेड़े, और कहता मेरी भेड़े मेरी आवाज़ सुनती हैं। जी हाँ, जो उसकी भेड़ होंगी वो उसकी आवाज़ को सुनेंगी और उसकी आवाज़ को सुनकर वो उसके पीछे पीछे चलेंगी, पराए के पीछे नहीं जाएंगी। या सबसे पहली बात कहता है कि मेरी भेड़े जो हैं वो मेरी आवाज़ को सुनती है, जो भेड़ों के कार्य हैं और वो अपने भेड़ों के लिए क्या करता है। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह जो अपनी भेड़ों के लिए है, यहाँ पर जब आप यूहन्ना 10 अध्याय को आप पूरा पढ़ लीजिएगा, आप अपने घर में बड़े आराम से इसको पढ़िएगा, वहाँ कहता है कि अच्छा चरवा मैं हूँ। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह अच्छा चरवा है, और वो कहता है कि अच्छा चरवा अपनी भेड़ों के लिए प्राण देता है। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह अच्छा चरवा है और वो भेड़ों के लिए उसने अपने प्राण को दिया। किन भेड़ों के लिए? मैं और आप। जी हाँ, मेरे और आप के लिए उसने अपने प्राण को दिया है। और क्यों? क्योंकि वो एक अच्छा चरवा है। और लिखा हुआ परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह को कॉन्फिडेंस है अपनी भेड़ों के ऊपर, और वो बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ बात करता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ को सुनती हैं, मेरे शब्द को सुनती हैं, मेरे शब्द को पहचानती हैं, और वो मेरे शब्द को सुनकर किसी पराए के पीछे नहीं जाएंगी, वो सिर्फ मेरे पीछे चलेंगी। ये कॉन्फिडेंस है। क्या आप उसकी आवाज़ को सुनते हैं? क्या आप उसकी आवाज़ को पहचानते हैं? जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह की आवाज़ उसके वचन से है, ये उसकी आवाज़ है। जब वो बुलाता है, आप वचन को सुबह शाम पढ़ें, देखें परमेश्वर, देखें प्रभु यीशु मसीह आपसे क्या कहता है। आप जो उसकी भेड़े हैं वह आवाज़ देता है अपने वचन के द्वारा, बहुत से सेवकों के संदेशों के द्वारा वह अपनी आवाज़ को प्रकट करता है और अपनी भेड़ों को बुलाता है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि वह नाम लेकर प्रत्येक भेड़ को बुलाता है। जी हाँ, वो प्रत्येक भेड़ का नाम जानता है। आप सोचते होंगे संसार के अंदर, आपके मोहल्ले के अंदर बहुत से लोग होंगे तो आप अपने मोहल्ले के अंदर बहुत से लोगों का नाम नहीं जानते हैं। जी हाँ, हम मनुष्य, हम अपने मोहल्ले में अपने बहुत से नातेदार रिश्तेदारों में भी नाम बहुतों का नहीं जानते होंगे, परंतु प्रभु यीशु मसीह जो इस संसार का सृष्टि करता है,
जिसने इस संसार को बनाया, उसने हर एक भेड़ को बनाया और हर एक भेड़ का नाम रखा है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हर एक भेड़ का नाम जानता है, वो आपका भी नाम जानता है, वो आपके आपके नाम को आप पुकारता है, वो आपका नाम लेकर आपको बुलाता है। उसकी भेड़ें हैं आप और उसकी भेड़ उसका नाम जो है वो जानती हैं। और परमेश्वर का वचन ये कहता है, बहुत सी बातें इसके अंदर लिखी हुई हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरी भेड़ें मेरे पीछे पीछे चलती हैं। पीछे चलने का मतलब क्या होता है? अब आप कहोगे कि प्रभु यीशु मसीह कहाँ हैं जिसके पीछे पीछे हम चलें। कहने का मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह के वचन में जो कुछ भी लिखा है, यदि आप उसको फॉलो कर रहे हैं, यदि आप उसको मान रहे हैं, आप उन बातों को अपने जीवन में उतार रहे हैं, उस चरवाहे की सारी बातों को, सारे निर्देश को आप मान रहे हैं, तो आप उसको उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि मेरी भेड़ें मेरे पीछे पीछे चलती हैं। हम सेवकों को ये, बहुत से सेवकों को ये ऑर्डर दिया गया है और हम सेवकों को भी ये ऑर्डर दिया गया। प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा है कि तुम मेरी भेड़ों को चराओ। जी हाँ, पतरस वो हर एक सेवक को तराशता है, हर एक सेवक के अंदर से उन सारी बातों को निकालता है जो भेड़ों को चराने में असुविधा महसूस होती है, या वो भेड़ों को नहीं चराते हैं, या भेड़ों को चराने में रुकावटें पैदा होती हैं, उन सारी बातों को निकालता है। पतरस के जीवन के अंदर भी ऐसी बात थी। जब आप यूहन्ना की इंजील उसका 21 अध्याय को पढ़ेंगे और जब आप उसके आखिर पद को पढ़ेंगे, तो उसने पतरस से कहा कि हे पतरस, क्या तू मुझसे प्यार करता है? जी हाँ, जो उससे प्यार करता है वो उसकी भेड़ों को वफादारी और ईमानदारी के साथ चराता है। चराने का मतलब क्या है? चारा, चारा खिलाना। चारा कहाँ से, कैसे खिलाएगा चारा? यानी जो उसका वचन है बिल्कुल सच्चाई के साथ उन भेड़ों के सामने रखना है, उन भेड़ों को परमेश्वर का वचन रूपी बीज उनके जीवन में बोना है, ये वचन रूपी जो चारा है वो उनको खिलाना है। इसमें किसी भी प्रकार का समझौता नहीं, किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं, किसी भी प्रकार का मुँह देखा वचन नहीं होना चाहिए। और यही बात वो पतरस से कहना चाहता है। पतरस के अंदर एक घमंड था। पतरस जो था वो अपने भाइयों को इग्नोर करता था और वह अपने भाइयों को से पहले अपने आप को बहुत बड़ा और बहुत अच्छा बनाने की कोशिश प्रभु यीशु मसीह के सामने करता था, परंतु प्रभु यीशु मसीह के लिए सब बराबर हैं। इसलिए वो पतरस से ही कहता है, किसी और सेवक से उसने नहीं कहा, किसी और चेलों से उसने नहीं कहा, इसलिए उसने सिर्फ पतरस से कहा, क्या तू मुझसे प्यार करता है? पतरस कहता, हाँ प्रभु, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, मेरी भेड़ों को चरा। फिर वो कहता, पतरस क्या तू मुझसे प्यार करता है? कहता, हाँ प्रभु, मैं करता हूँ, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। वो कहता, रखवाली कर। वो कहता, फिर पूछता है कि पतरस क्या तू मेरे मुझसे प्यार करता है? वो कहता, हाँ प्रभु, मैं करता हूँ। वो बहुत लज्जित हो जाता है कि प्रभु बार बार एक ही बात को क्यों पूछ रहा है, बार बार एक ही बात को क्यों कह रहा है। उसका कहने का सेंस था, क्योंकि प्रभु चाहता था कि उसकी भेड़ों को सही तरीके से चराना चाहिए, उसकी भेड़ों को एक सही चरवाहा मिलना चाहिए जो प्रभु यीशु मसीह की आवाज़ को उन तक पहुँचा सके, जो प्रभु यीशु मसीह के वचन रूपी चारे को उनको सही ढंग से खिला सके। और इसलिए पतरस के अंदर कोई भी बात थी जो ईगो था, जो घमंड की बात थी, या जो बहुत जल्दी अपने भाइयों को इग्नोर करने की बात थी, मैं बताना चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि पतरस ने क्या इनकार करा था। जब प्रभु यीशु मसीह ने उससे ये कहा, क्या तुम मुझे क्या चाहते हो, क्या तुम मुझे छोड़ दोगे, जब वो पकड़वाने के वाले की बात है, जब वो पकड़वाया गया, तो कहता है कि तुम लोग सब मुझे छोड़ दोगे, तो पतरस एकदम फट से क्या कहता है, हे प्रभु, ये तुझे छोड़ दे तो छोड़ दे, परंतु मैं तुझे नहीं छोड़ने का। उसने अपने भाइयों की तरफ देखकर कहा, उसने अपने भाइयों की तरफ उंगली उठाया कि ये तुझे छोड़ दे तो छोड़ दे। प्रभु को ये बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने भाइयों को इग्नोर किया, अपने भाइयों की अनदेखी करी। तभी परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे पतरस, मुर्गे के दो बार बांग देने से पहले तू तीन बार मेरा इंकार करेगा। और पतरस ने तीन बार इसलिए इंकार करा, और इसलिए परमेश्वर उसके उस बात को जो वो भाइयों को अनदेखा करता था, भाइयों की अनदेखी करता था, उसको निकाल कर उसने कहा कि तीन बार उससे पूछा, क्या तुम उससे प्यार करता है, इसलिए तुम मेरी भेड़ों को चराओ। उसका कहने का सेंस था कि मेरी भेड़ों को सही ढंग से चराना चाहिए, मेरी भेड़ों को सही तरीके से उनको खिलाना पिलाना चाहिए, जो चारा उनको मिलना चाहिए वो सही ढंग से मिलना चाहिए।
आज बहुत से सेवक जो हैं उसकी भेड़ों को सही ढंग से नहीं चराते। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यदि नहीं चराते हैं, यदि वो चारा नहीं मिलता है सेवकों के द्वारा, तो सेवक दंडित होगा। मगर परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ को सुनती है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, परमेश्वर का वचन यहाँ पर वो क्या कहता है, और योना किंचिल उसका नौ उसका सॉरी उसका 10 अध्याय और उसके 9 पद में लिखा हुआ है, द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करेगा तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। जी हाँ, चारा पाने का मतलब क्या होता है? सही बात, सही दिशा, सही चीज़ आपको मिलेगी, कोई गलत चीज़ नहीं मिलेगी। इसलिए वो कहता है कि द्वार कौन है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हम स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं, और जब हम स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं तो एक मार्गदर्शक, एक सही दिशा जो है हमें प्रभु यीशु मसीह के ही द्वारा मिल सकती है, स्वर्ग में जाने की, परमेश्वर से मिलने की, परमेश्वर से बातचीत करने की, परमेश्वर के उपस्थिति में बैठने की। जो मार्गदर्शक है वो हमारा हमें जो मिल सकता है वो प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि वो द्वार है, और इसलिए हमें उसके द्वारा परमेश्वर के समीप पहुंचने की कोशिश करना चाहिए। यहां पर परमेश्वर का वचन और आगे कहता है, यहां परमेश्वर का वचन 14 और 15वें पद में कहता है, योना 10 के 14 और 15वें पद में, अच्छा चरवा मैं हूं, जिस तरह पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूं, इसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूं। जी हां, प्रभु यीशु मसीह कहता है मेरा पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ, ऐसे ही मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। जी हाँ, अगर आपके सामने कोई अनजान व्यक्ति आए और कोई अजनबी हो और आपसे कहे कि साहब मुझे 1000 रुपये चाहिए, आप दे दीजिए, मेरी मदद कर दीजिए, तो आप कहेंगे मैं आपको जानता नहीं हूँ या मैं आपको जानती नहीं हूँ, मैं आपको 1000 रुपये कैसे दे दूँ, आप कौन हैं, कहाँ रहते हैं, मैं आपको नहीं जानता या मैं आपको नहीं जानती, मैं आपको क्यों दूं, मैं तो आपको नहीं देती। सही बात है। ऐसे ही यदि प्रभु यीशु मसीह आपको नहीं जानता है तो यकीन जानिए कि आप प्रभु यीशु मसीह की भेड़ों में शामिल नहीं हैं, और जो प्रभु यीशु मसीह की भेड़ों में शामिल नहीं है, प्रभु यीशु मसीह उसे नहीं जानता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को जानना चाहते हैं तो सबसे पहले हम प्रभु यीशु मसीह के होएं, सबसे पहले हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना सीखें, हम प्रभु यीशु मसीह के शब्द को पहचानें, हम प्रभु यीशु मसीह की आवाज़ को पहचानें, हम प्रभु यीशु मसीह की बुलाहट को पहचानें, और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, उस बुलाहट को, उस आवाज़ को, उस शब्द को अपने जहन में सालें, और हम ये जाने कि जो कुछ भी है सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है, और प्रभु यीशु मसीह को हमें जानना चाहिए ताकि वो भी हमें जाने। और जब प्रभु यीशु मसीह किसी को जानेगा तो आप जो कुछ मांगेंगे वो आपको देगा। मगर जब प्रभु यीशु मसीह को आप नहीं जानते हैं तो सीधी सी बात है, प्रभु यीशु मसीह भी आपको नहीं जानता है, और जब प्रभु यीशु मसीह भी आपको नहीं जानता है तो आप कितना भी मांगते रहिए आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपको नहीं जानता है। आप जानते हैं, अगर कोई भेड़ दुखी होती है या कोई भेड़ पाप में फंस जाती है या कोई भेड़ पाप में घिर भी जाती है, तब भी प्रभु यीशु मसीह उसको मौका देता है। ऐसा नहीं है कि वो एक ही बार वो दलदल में फंस गई तो वो उसने उसे छोड़ दिया है, उसने उसे निकाल दिया, वो उसे इग्नोर करता है, ऐसा नहीं करता है। आपने सुना होगा लूका की इंजील में क्या लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है। ये सब आप इस कहानी को जानते हैं, लूका की इंजील उसका 15 अध्याय और उसके 1 से 7 पद में यहाँ पर लिखा हुआ है कि 100 भेड़ें थी उसके पास। एक एग्जाम्पल दिया है प्रभु यीशु मसीह ने, 100 भेड़ें थीं और 100 जो थी प्रभु यीशु मसीह की भेड़ें कहलाई जाती थी, और लिखा हुआ है कि एक भेड़ जो थी वो उसके बाड़े से निकल गई, उसके रेंज से निकल गई और वो उससे दूर हो गई, और वो दूर होकर झाड़ी में फंस गई। झाड़ी में फंसने का मतलब है कि वो पाप में फंस गई, और जब वो पाप में फंस गई तो परमेश्वर का वचन ये बताता है कि प्रभु यीशु मसीह अपने उस भेड़ को ढूंढता ढांढता जो वो पाप के कष्ट में चिल्ला रही थी, जो वो पाप के बोझ में चिल्ला रही थी कि पाप के बोझ से दबी हुई थी, पाप के झाड़ियों की पाप की जो झाड़ियां थी उसके कांटे उसको चुभ रहे थे और वो उसमें बेचैन थी, वो उसमें तड़प रही थी, प्रभु यीशु मसीह उस भेड़ को ढूंढता ढांढता आया। जब उसने प्रभु यीशु मसीह को पुकारा, जब उसने प्रभु यीशु मसीह को आवाज दी, हे प्रभु यीशु मसीह मैं तो झाड़ी में फंस गई हूं, हे प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार कर, हे प्रभु यीशु मसीह मुझे बचा ले, हे प्रभु यीशु मसीह मुझे इस पाप की झाड़ी से निकाल, तो प्रभु
यीशु मसीह उन 99 भेड़ों को छोड़कर, जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, उन 99 भेड़ों को छोड़कर वो अपने उस एक भेड़ को बचाने के लिए चल दिया, बचाने के लिए आया। 99 भेड़ों पर उसे विश्वास था कि ये मेरी धर्मी भेड़ी हैं, ये मेरी धर्मी भेड़ हैं और ये मेरी भेड़ शाला में रहेंगी, ये भेड़ शाला को लांगेंगी नहीं, ये मेरे बाड़े में रहेंगी, ये मेरे बाड़े को तोड़कर नहीं निकलेंगी, ये मेरे बाड़े से बाहर नहीं निकलेंगी। उसे विश्वास है अपनी धर्मी भेड़ों पर और इसलिए वो चिंता नहीं करता है अपनी धर्मी भेड़ों को, क्योंकि वो उसके बाड़े में बंधी हुई हैं। परंतु जो भटक गई है, जो उससे दूर हो गई है, वो उसकी चिंता करता हुआ वो उसको छुड़ाने के लिए गया। आज प्रभु यीशु मसीह ऐसे ही अपनी बहुत सी भेड़ों को छुड़ाने के लिए स्वर्ग से उतरकर इस पृथ्वी पर आया, क्योंकि उसकी भेड़ें पाप के झाड़ियों में फंसी हुई थी और बहुत बुरी तरीके से चिल्ला रही थी, बहुत तड़प रही थी। इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह आया और उसने अपनी भेड़ों को क्या करा, उस पाप के जलदल से, उस पाप के दलदल से, उस पाप के बोझ से, उस पाप की झाड़ियों से अपना बहुमूल लहू देकर निकाल लिया। आमीन। ओ प्यारे भाइयों बहनों, आमीन कहिए, क्योंकि हम छुड़ाए गए हैं, क्योंकि हम उसकी भेड़ें हैं। और परमेश्वर का वचन ये कहता है कि वह अच्छा चरवा है और अच्छा चरवा अपनी भेड़ों के लिए प्राण देता है। हाँ, मेरे और आपके लिए, मेरे और आपके लिए हमारे चरवाहे ने, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, उसने अपनी जान दी है, उसने अपनी जान दी है। तो उससे जब उसने उसे जान उसने हमारे हमारे लिए अपनी जान दी है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें भी ये जीवन उसको देना चाहिए, ये जीवन उसको समर्पित करना चाहिए, क्योंकि हम उसकी भेड़ें हैं। मगर एक बात याद रखिए, एक बात हमेशा ध्यान रखिए, मत्ती के इंजील को जब आप पढ़ेंगे, उसके 25 पद को पढ़ेंगे, और यहाँ लिखा मत्ती 25 और उसके 41 से 46 पद तक जब आप पढ़ेंगे, तो यहाँ लिखा हुआ परमेश्वर का वचन कहता है, आप पढ़ लीजिएगा, यहाँ कहता है, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियाँ उसके सामने इकट्ठी की जाएंगी, और जैसा चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वे उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। जी हाँ, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो क्या करेगा, सबसे पहले आकर भेड़ों को बकरियों से अलग करेगा, क्योंकि बकरियों का भेड़ों के साथ कोई तालमेल नहीं खाता है, इसलिए वो बकरियों को अलग कर देगा। यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है, यहाँ पर 33 पद में लिखा है, और वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को अपनी बाईं ओर खड़ा करेगा। मेरे प्यारे प्यारे भाइयों बहनों, ध्यान रखिए, भेड़ों को अपने दाहिने हाथ पर यानी सीधे हाथ पर खड़ा करेगा और बकरियों को वो अपने बाएं हाथ पर यानी उल्टे हाथ पर खड़ा करेगा। और क्या कहेगा, भेड़ों अपनी भेड़ों से कहेगा, दाहिने हाथ वाली भेड़ों से कहेगा, धन्य हो मेरे परमेश्वर के लोगों और धन्य हो मेरी भेड़ों, क्योंकि जब मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया, जब मैं भूखा था तुमने मुझे खाना खिलाया, जब मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े पहनाए, जब मैं जेल खाने में था तब तुम मुझे देखने आए। वो कहेगा, हे प्रभु हमने ये कब किया, वो कहेगा तुमने जिन छोटे से छोटे लोगों के साथ किया वो मेरे साथ किया, इसलिए तुम मेरे पिता के राज के वारिस हो, तुम मेरे पिता के राज में प्रवेश करो। और अपने बाएं हाथ वालों से कहेगा यानी उल्टे हाथ वालों से कहेगा, हे अधर्मी लोगों, तुम जब मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी नहीं दिया, जब मैं भूखा था तुमने मुझे खाना नहीं दिया, जब मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, जब मैं जेल खाने में था तुम मुझे मिलने नहीं आए, जब मैं दुख और मुसीबत में था तुमने मेरी सुधि नहीं ली। कहेगा, हे प्रभु हमने कब तुझे ये सब कुछ देखा है। वो कहता है, जो इन छोटे से छोटे के साथ करता है वो मेरे साथ करता है। इसलिए हे अधर्मी लोगों, मेरी नजरों से दूर हो जाओ, मेरी आंखों से दूर हो जाओ और उस जगह चले जाओ जहां रोना और दांतों का पीसना होता है। वो अंधकार में डाल देगा, वो अंधकार में डाल देगा और वहां डाल देगा जहां रोना और दांतों का पीसना होता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम उसकी भेड़ें हैं, हम भेड़ बनकर रहें, हम बकरी बनकर नहा रहें, और बकरी बनकर हम, एक शब्द आता है चबर चबर करना, उसको ना करें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम हमारा स्वभाव चंचल नहीं होना चाहिए, भेड़ की तरह सीधे ही होने चाहिए और हर बात को चुपचाप सहन कर लेना चाहिए जैसे भेड़ सहन कर लेती है। तो आइए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम भेड़ की खूबी अपने जीवन में अपनाते हैं, हम भेड़ बनकर रहते हैं और सारी बातों को चुपचाप सहन कर लेते हैं और अपने प्रभु यीशु मसीह के हो जाते हैं। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आइए दुआ करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर यहोवा,
एक बार फिर से आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं। उन सारी आशीषों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। ओ प्यारे प्रभु जी, हमें भेड़ बनने की सामर्थ्य दे, हमें बकरी ना बनने दे। ओ प्यारे प्रभु जी, भेड़ बनकर हम तेरे दाहिने हाथ के समक्ष खड़े होना चाहते हैं ताकि तेरे राज के वारिश हो सके। अपनी भेड़ों को बचा ले जो पाप में डूबी हुई हैं, जो भटकी हुई हैं। प्यारे प्रभु जी, अपनी भेड़शाला में शामिल कर। तेरी और भी भेड़ें हैं जो अपनी भेड़शाला में लाना चाहता है। प्यारे प्रभु जी, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तूने मेरी प्रार्थना को सुना और तूने प्यारे प्रभु हाँ आमीन के साथ उत्तर दिया और आशीष दी। हम तेरा धन्यवाद करते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन।